एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज में आज चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान एनसीईआरटी क्लास 7 हिस्ट्री। दोस्तों ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दिल्ली के आरंभिक सुल्तानों से लेकर के फिर मुगल वंश के आने तक प्रशासन पद्धति और किस प्रकार शासकों के उत्तराधिकार, राज्यों पर नियंत्रण, कर प्रणाली संबंधी सभी मध्यकालीन भारत की महत्वपूर्ण सूचनाएं इस चैप्टर के अंदर कंसिस्ट हैं। और जैसे जैसे यह चैप्टर आगे बढ़ेगा आप स्वयं महसूस करेंगे कि वाकई में यह चैप्टर हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्लास 6 के बाद क्लास 7 की एनसीईआरटी के सभी पाठ्य पुस्तकों में चैप्टर थोड़ा सा बड़े होते चले गए हैं और उनके अंदर सूचनाओं के इतने अच्छे भंडार हैं, इतने ज़्यादा भंडार हैं कि बहुत मुश्किल होता है यह सोच पाना कि हम क्या छोड़ें और हम क्या पढ़ें। बड़ा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ छोड़ने के चक्कर में कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मिस ना हो जाए। ऐसे में जब मैं इन चैप्टर्स को पढ़ रहा था तब भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे बड़ी उत्सुकता थी कि जब मैं आप लोगों के सामने इन चैप्टर्स को पेश करूँगा तो आपको भी वाकई में इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद में मज़ा आएगा। और चूंकि समय ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप पूरा वीडियो देख नहीं पाते हैं किसी भी वजह से और उसके बाद में फिर क्या होता है कि क्वेश्चंस तमाम सारे गलत हो जाते हैं। और मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ कि कम से कम एनसीईआरटी रिव्यू के वीडियो से आप पूरा चैप्टर देख लें, कोई चैप्टर आपसे थोड़ा सा भी छूट जाए, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। इसलिए फटाफट हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले पहल तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली अनंगपाल के साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से भी जाना गया, के हाथों परास्त का सामना करना पड़ा। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी यहाँ पर रहा करते थे। एक प्रकार के सिक्के जिन्हें दिल्ली वाल कहा जाता था वो भी दिल्ली में ढाले जाते थे, जो काफ़ी मात्रा में प्रचलन में रहते थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ ही दिल्ली एक राजधानी में बदल गई, जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर था। यदि हम बात करें दिल्ली सल्तनत के अनेक सुल्तानों द्वारा बसाए गए तमाम सारे शहरों की, जिनमें मुख्य रूप से यह है यमुना नदी, आधुनिक यमुना नदी हमारी, और यह है यमुना नदी का प्राचीन मार्ग फिरोजा शाह कोटला और फिरोजाबाद, साथ ही साथ हौज खास, सीरी का किला, जहाँ पनाबाद, दिल्ली एक कोना, कुतुब मीनार, हौज सुल्तानी, तुगलकाबाद और आदिलाबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण शहर थे जो बसाए गए दिल्ली सल्तनत के दौरान। यहाँ से हम पता करेंगे तालिका 1 से दिल्ली के कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में। राजपूत वंश के साथ में दिल्ली राजधानी बना और इसका इतिहास शुरू हुआ। सबसे पहले तोमर राजा अनंगपाल, फिर चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान, फिर प्रारंभिक तुर्की शासकों की बात करें उनमें से कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया और गयासुद्दीन बलबन हमारे लिए प्रमुख हैं। खलजी वंश में दो महत्वपूर्ण शासक जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी। इसके बाद में तुगलक वंश की बात करें तो तीन महत्वपूर्ण शासक हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम भी इन डिटेल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, दोनों की नीतियों और तमाम सारी चीज़ों के बारे में तुलना भी करेंगे। अलाई दरवाजे का यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया। इसके बाद में सैयद वंश, जिसमें खिजर खान के बारे में जो संस्थापक भी रहे उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर लोधी वंश में हम बहलोल लोधी के बारे में भी जानेंगे। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, यहाँ से हम इस चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। अभिलेख, सिक्कों और स्थापत्य का अर्थ होता है भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सारी सूचनाएं मिलती हैं, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास, तारीख, एक वचन और तवारीख, बहुवचन, जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। तो तारीख और तवारीख तो दोनों का अर्थ होता है इतिहास, सिर्फ एक वचन और बहुवचन का फर्क है, जो फारसी भाषा में लिखे गए उनके माध्यम से हमें इतिहास जानने को मिलता है दिल्ली सल्तनत के बारे में। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी, जिन्हें रजिया सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज किसके समकालीन थे, तो इल्तुतमिश और उसकी बेटी रजिया के समकालीन थे। मिन्हाज ए सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन वह फिर भी एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी बैठी थी गद्दी पर, पहली महिला शासिका थी। रजिया के बारे में मिन्हाजु सिराज ने कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में जब चैप्टर के साथ आप इन डिटेल पढ़ें। तो दिल्ली सल्तनत का विस्तार गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि गैरिसन शहर क्या होता है। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं उसे हम गैरिसन शहर कहते हैं। अब बात करते हैं हम शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए कुछ प्रमुख शहरों के बारे में। शुरुआत करते हैं सिंधु नदी के साथ में, सबसे पहले काजकोट, इसके बाद में मुल्तान, फिर नंदाना, लाहौर। इसके बाद में यहाँ पर देखें तो जो बॉर्डर है आधुनिक पाकिस्तान के बॉर्डर से अंदर आते हुए फिर ब्यास नदी के नीचे, साथ ही साथ यमुना और गंगा नदी के इलाकों में देखें तो कुहराम, तबरहिंद, के बाद में सुनाम, फिर बारवाला, हांसी, सरस्वती,
उच्छ, कासली, सभाभामक, अजमेर, मांदौर, दिल्ली, बारन, बदायूं, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर, अवध, बनारस और लखनौती, ये कुछ प्रमुख शहर थे जो जीते गए सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसन शहरों अर्थात रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, अर्थात इनकी जो शासन क्या फैलाव था वो गैरिसन शहरों के आसपास ही था, अर्थात जहाँ तक इनका सैनिक नियंत्रण मुख्य रूप से होता था। दिल्ली से अधिक दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वालों हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा करने के लिए खड़े हो जाते थे। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इनका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी कि यदि हम बात करें तो शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान की शुरुआत की गई, अभी यहाँ मानचित्र में देखेंगे। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे। अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान वस्तुओं को क्या किया, कब्जे में ले लिया। तो दो लोगों ने महत्वपूर्ण विस्तार किया जिसमें अलाउद्दीन खिलजी हैं और साथ ही साथ हैं मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे पहले बात करेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दक्षिण भारत के अभियान के बारे में, तो ये है दिल्ली, जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अभियान। एक दिल्ली से अभियान किया 1302 से 1303 के बीच में वारंगल के लिए, साथ ही साथ 1301 में रणथंभौर के लिए, 1303 में चित्तौड़ के लिए, 1299 में गुजरात के लिए। इसके बाद में दिल्ली से मांडू के लिए 1305 में, फिर यहाँ से देवगिरी से 1311 में वारंगल के लिए, 1310 से 1311 में द्वार समुद्रम और जहाँ पर होयसलों का राजतंत्र था, देवगिरी में यादवों को हराया। द्वार समुद्रम में होयसल से होते हुए फिर तंजावुर तक में 1311 में एक आक्रमण देखने को हमें मिलता है। तो दिल्ली सल्तनत ने कहाँ कहाँ पर आक्रमण किए यदि हम देखें तो दिल्ली के बाद में वारंगल, कड़ा से देवगिरी, दिल्ली से देवगिरी, दिल्ली से रणथंभौर, दिल्ली से चित्तौड़, दिल्ली से गुजरात, फिर देवगिरी से द्वार समुद्र, द्वार समुद्र से तंजावुर, ये आक्रमण किए गए मुख्य रूप से सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा। मस्जिद क्या है? तो यह अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा घुटने टेक कर माथा करते हैं, मतलब घुटने को और माथा को टेक करके क्या करते हैं, करते हैं सजदा करते हैं। जामा मस्जिद या मस्जिद जामी वह मस्जिद होती है जहां अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में सबसे अधिक सम्मानी और विद्वान पुरुष को इमाम अर्थात नेता के रूप में चुना जाता है। इसमें शुक्रवार को नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। तो खुतबा क्या है? एक धर्मोपदेश है। इमाम कौन है? जो सबसे विद्वान पुरुष है वो इमाम है। और नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहते हैं? तो मक्का की ओर की दिशा किबला कहलाती है। फटाफट देखते हैं खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन, किस प्रकार का प्रशासन था और किस प्रकार का समेकन था, ये यहाँ पर एक नज़र डालने की कोशिश करते हैं। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेष तौर से इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहते थे। तो बंदगा किसको कहा जाता था? गुलामों को कहा जाता था। वो बंदगा किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही साथ अपने आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। एक्चुअली में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो गुलाम और आश्रित थे वो अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, लेकिन जैसे ही उनके उत्तराधिकारियों का शासन आता था उनकी वफादारी पूरी की पूरी क्या होती थी? खत्म हो जाती थी और वो विद्रोह करने पर उतर आते थे। पहले वाले सुल्तानों की तरह खलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाके एकता कहलाते थे। तो जो भिन्न भिन्न आकार के इलाके थे जहाँ पर सूबेदारों को नियुक्त किया जाता था वो इलाके एकता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इकतादार या मुक्ति कहलाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इकतों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। तो जो मुक्ति था ये तीन चार इंपॉर्टेंट काम करता था। एक तो ये सैनिक अभियानों का नेतृत्व करता था, अपने इकतों में कानून और प्रशासन की व्यवस्था को बनाए रखता था। सैनिक सेवाओं के बदले मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली भी किया करता था। तो राजस्व की वसूली भी मुक्ति ही किया करता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का क्या किया जाता था? बड़ी कठोरता से इन नियमों का बड़ी कठोरता से पालन किया जाता था।
कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करते थे। इस समय तीन तरह के कर थे, ये जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। करों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, कृषि पर कर जिसे खराज कहा जाता था और किसानों की उपज का लगभग कितना होता था, तो 50% होता था, 50% होता था, इसे क्या कहते थे, खराज कहते थे। किस पर कर होता था, कृषि पर कर होता था। दूसरा कर मवेशियों पर, और तीसरा कर किस पर होता था, तो घरों पर होता था। तो तीन प्रकार के कर थे, कृषि पर कर, मवेशियों पर कर और घरों पर कर। कृषि पर कर जो था उसे खराज कहते थे, कितना होता था, तो उपज का करीब करीब 50% होता था, 50% होता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में यानी कि ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर क्या किया, हमला किया, और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत पर उनको धावा झेलना पड़ा उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए, इससे मजबूर होकर ही दोनों सुल्तानों को एक विशाल स्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। तो क्यों आवश्यकता पड़ी अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक को बड़ी सेनाएं खड़ी करने की, क्योंकि मंगोलों के आक्रमण इनके शासनकाल में अत्यधिक बढ़ गए थे। अब अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की तुलना करते हैं कि इनके प्रशासन के दौरान क्या कुछ हुआ। दिल्ली पर दो बार हमले हुए, 1299 और 1300, दूसरा 1302 और 1303 में इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन को एक बड़ी सेना खड़ी करनी पड़ी। मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही सल्तनत पर क्या हुआ, हमला हुआ, मुगल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक ने अपनी सेना की शक्ति और संसाधन पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसआक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। अलाउद्दीन खलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बसाया। नया गैरिसन शहर बसाने के स्थान पर दिल्ली के चार शहरों में सबसे पुराने शहर दिल्ली एक कोहना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी। पुराने शहर में निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया गया। तो इनके इनके प्रशासन में ये अंतर आया कि अलाउद्दीन ने सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर ही पूरा का पूरा बसा दिया था, जबकि जो मोहम्मद तुगलक था इसने दिल्ली कोना जो एक पुराना शहर था उसको निवासियों से खाली करवा करके उन्हें अपनी नई राजधानी दौलताबाद में भेज दिया, और दिल्ली कोना को ही क्या किया था, एक सैनिक जो छावनी में तब्दील कर। सैनिकों का पेट भरने की समस्या को हल करने के लिए गंगा यमुना के बीच भूमि के कर के रूप में एकत्र करके खेती की पैदावार को हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा सीधे तौर पर क्या किया गया, तय किया गया। अलाउद्दीन ने यह काम किया। बात करें तुगलक की तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तो सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया, और इसी दौरान उसके क्षेत्र में क्या पड़ गया, अकाल भी पड़ गया। सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नगद वेतन देना तय किया। तो अलाउद्दीन ने क्या किया, एकता नहीं देता था बल्कि नगद वेतन देता था। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण की जगह उसने कुछ कुछ जगह पर कागज की मुद्रा की तरह टोकन सांकेतिक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे लेकिन सोने चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। इसी कारण लोगों को इस मुद्रा पर भरोसा नहीं हुआ, वे बड़े चतुर थे और अपने सोने चांदी के सिक्कों को बचाकर रखते थे और तमाम कर इसी टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से क्या कर जाते, बनाए जा सकते थे। अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की और अफसरों पर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते रहते थे, और व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे तो उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाजार की वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा भी क्या किया, छोड़ दिया। उसने अपनी विशाल सेना भंग कर दी। इसी बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे उनसे कई परेशानियां पैदा हो गईं। दौलताबाद ले जाने से बहुत सारे लोग नाराज थे। करों में वृद्धि, गंगा यमुना के दोआब में अकाल से विषुब जनता बगावत पर उतर आई और मोहम्मद तुगलक को अंततः टोकन मुद्रा भी वापस लेनी पड़ी। इन तमाम असफलताओं की गिनती करते समय हम यह भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में दिल्ली के किसी सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतेह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोलों के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना का क्या थे, एक हिस्सा थे। तो इस हिसाब से वो दोनों के अंदर एक डिफरेंस है, जहां पर वो डिफेंसिव थे अलाउद्दीन खिलजी साहब, वहीं पर जो मोहम्मद बिन तुगलक थे इन्होंने एक अटैकिंग प्रणाली को अपनाया, एक अटैकिंग स्थिति को अपनाया। 15वीं और 16वीं शताब्दी में सल्तनत की यदि हम बात करें तो तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली और आगरा पर सैय्यद तथा लोदी वंशों का शासनकाल रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। इनकी राजधानियां समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान और राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। शेर शाह सूर 1540 से 1547
1945 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया, प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया, और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, फिर अबदस्त रहे और फिर 1555 से 1556 तक को चुनौती दी तथा और परास्त किया। शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष तक 1540 से 1555 तक शासन किया, लेकिन इसके प्रशासन ने अलाउद्दीन खलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह के प्रशासन की व्यवस्था को ही अपनाया था। तो यह था चैप्टर 3, जिसमें हमें दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के बारे में, उनके विकास के बारे में, प्रशासन पद्धति के बारे में, कर प्रणाली के बारे में तमाम सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इसको बहुत कम वक्त में ख़त्म करने की मैंने कोशिश की है। बेहतर होगा कि आप एक बार इस चैप्टर को फिर से स्वयं से पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी। तो इस वीडियो को देख करके आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, थोड़ी देर में हम इससे जुड़े हुए प्रश्नों को हल करेंगे। थैंक यू सो मच।